Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, अब question 5 देखते हैं. तो question 5 है, if f is real to real दिया हुआ है हमें function, is defined by fx is equal to, ये यहाँ पर क्या है, greatest integer function, fx क्या है, greatest integer function है. Find its domain, range and draw its graph. आपको इसका domain, इसकी range और इसका graph बताना है. तो see. Now student, मैं जो यहाँ पे graph बनाना, तो मैंने already graph की image यहाँ पे ली दी है. तो first of all यहाँ पे function हमें क्या दिया हुआ है, पहले मैं function को देख. तो function is greatest integer function जिसको इस तरह से लिखा जाता है. और ये क्या होता है, greatest integer function में कोई भी real number, उसमें क्या होता है, लेस देन वाला, जो लेस देन वाला नियरेस्ट इंटीजर होता है वो लिखते हैं. सो इसका यहां पर पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, सिंस रियल नंबर का कोई भी रियल नंबर आप यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख सकते हैं. तो डोमेन यहां पर क्या होगा, रियल नंबर आ. बट इसकी रेंज क्या आएगी स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखते हैं, तो रियल नंबर में क्या कहता है, नियरेस्ट लेस देन वाला जो इंटीजर है वो लिखा जाता है. तो इसका मतलब हमेशा रेंज के आने वाली है इसके इंटीजर्स. तो यहां पर रेंज आएगी इंटीजर आएगी. अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, सिंस सी इसका ग्राफ देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहां पर 0 और 1 के बीच में, यानी 1 से थोड़ा पहले तक कोई भी अगर आप वैल्यू लें, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, 0. तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं, यहां पर इस तरह से बनाया जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप 2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लें, 2 को छोड़कर, तो ये 1 वैल्यू देगा. नाउ 3 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लें, तो ये दिस. नाउ सिमिलरली लाइक दिस. अब यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर लाइक दिस एंड दिस. तो इस तरह से जो है हम इसका ग्राफ बना. सो एंड यहां पर y क्या है, y इज fx, दिस इज नॉट y, दिस इज fx, एंड यहां एक समय दिया हुआ है. So, ये क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ.